इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो हमारी EVS की बुक है आवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट है जो हम इसमें कवर करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज पीपल हु मैनेज वेस्ट वेल। तो अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कचरे को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है। मैनी पीपल अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स पैक्ड इन रैपर्स। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे खाने को अवॉइड करते हैं और ऐसे ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं जो किस में पैक होते हैं, रैपर्स में। और प्लास्टिक बॉटल्स, और जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है उनको भी बहुत सारे लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। एंड यूज़ क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस वेस्ट। और लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ों के जो कपड़ों से बने जो बैग होते हैं उनका यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग का यूज़ करने की जगह, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस। क्या आपने भी ऐसा कभी करने की कोशिश की है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इज़ द फर्स्ट रूल दे फॉलो। तो सबसे पहला जो है कचरे को मैनेज करने का वो क्या है, रिड्यूस, यानी कचरा कम करना, ठीक है, जितना हो सके उतना जो है कचरा कम करना। फिर यहाँ एक्टिविटी दी है कि हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। तो आप कैसे मदद कर सकते हो कचरे को कम करने में, तो वो आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ द क्लीनलीनेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर ऑल टॉयज एंड बुक्स विद दोज हु नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। तो एक क्लीनलीनेस का पार्ट होने के नाते आपने क्या करना है, जो आपके पुराने खिलौने हैं या पुरानी बुक्स हैं आप ऐसे लोगों को दे सकते हो जिनकी उनको ज़रूरत हो और जो वे चीज़ ना खरीद पाएँ, ठीक है, जो खरीद नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं है वो चीज़ें खरीदने के लिए। तो आप उनके साथ अपने जो खिलौने हैं या फिर बुक्स हैं पुरानी उनको शेयर कर सकते हो। इन वट अदर वेज कैन यू हेल्प। क्या और कोई भी तरीका है जिससे कि आप मदद कर सकते हो। द मोर थिंग्स वी बाय, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे, और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम क्या करते हैं, फेंकते हैं। एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, और इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कचरा है वो क्रिएट होता है। वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स दैट वी नीड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत हो हम उतनी ही चीज़ खरीदें। एंड यूज़ देम अनटिल दे आर नॉट असेबल एनी मोर, और हम उनका यूज़ तब तक करें जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटल वेस्ट एज पॉसिबल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है वो कचरा हो जितना पॉसिबल हो सके। फिर इसके बाद यहाँ बताया है रीयूज़, दोबारा से यूज़ करना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका दोबारा से यूज़ करना। तो कैसे करेंगे यहाँ पे बताया है। द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू इज़ दैट दे रीयूज थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों को फेंकने की जगह वो किसी और तरह से यूज़ कर लेते हैं उसका, ठीक है। जैसे कि आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लॉथ्स। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट थे वो पुराने कपड़ों को क्या करते थे, फेंकते नहीं थे। क्यों नहीं फेंकते थे, देखो, दे मेड क्विल्ट्स फ्रॉम ओल्ड साड़ीज एंड बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स। और वो क्या करते थे, जो पुरानी साड़ियाँ होती थी उनसे क्विल्ट्स यानी गद्दे वगैरह बना लेते थे और पुराने कपड़ों से बैग्स वगैरह बना लेते थे, ठीक है।
Sometimes they also give old clothes to those who are in need of clothes. और कभी कभी वो क्या करते थे, जो उनके कपड़े होते थे पुराने कपड़े, वो ऐसे लोगों को दे देते थे जिनको उनकी ज़रूरत हो. ठीक है. The use of wrappers or old cloth for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduces waste and conserves resources. और वो क्या करते थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या पुराने कपड़े हो गया, उनको गिफ्ट पैकिंग में भी यूज़ कर लेते थे. ठीक है, जिससे कि कचरा भी कम होता और मतलब जो है हमारे संसाधन का भी कंजर्व होता, मतलब सेव होते. ठीक है. बाय क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से यूटिलाइजिंग दीज आइटम्स, वी नॉट ओनली रिड्यूस आवर वेस्ट बट ऑल्सो एड अ पर्सनलाइज्ड टच टू आवर गिफ्ट्स. तो इससे, ऐसा करने से हम कचरे को ही कम नहीं करते, बल्कि हम जो है जो गिफ्ट है उसमें अपना पर्सनलाइज्ड टच भी होता है. मतलब जब हम वो गिफ्ट किसी को देते हैं ऐसे पैक करके, तो उसको बड़ी खुशी होती है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है. फिर ये एक्टिविटी 4 दी है, तो ये आप खुद कर लेना. ये एक्टिविटी 5 भी आप कर लेना. यहाँ से पढ़ते हैं, शो योर ग्रेटिट्यूड. तो आप कैसे अपना ग्रेटिट्यूड शो करोगे, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करना. ठीक है. यू कैन गिव दिस टू पर्सन हु हेल्प टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन. तो आप ये उन लोगों को दे सकते हो जो कि आपकी हेल्प करते हैं आपके लोकेलिटी या आपके घर को साफ़ सुथरा रखने में. टेल देम दैट यू हैव मेक दिस सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट देयर वर्क लोड. और आप उन्हें बता सकते हो कि यू हैव मेड दिस सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट, कि भाई इससे उन लोगों की वजह से जो है कचरा जो है क्या हुआ है, कम हुआ है, और देयर वर्कलोड और उनका काम भी जो है वो कम हुआ है. ठीक है. डू नॉट फॉरगेट टू से अ बिग थैंक यू टू देम. और आप उनको एक बड़ा सा थैंक यू बोलना भी ना भूलें, क्योंकि जो आपकी साफ़ सफाई करने में हेल्प करते हैं वो लोग आपके ही काम को और कचरे को क्या करते हैं, कम करते हैं, आसान बनाते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे दे रखा है अ प्लेस ऑफ प्राइड. यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसमें इतना ही. थैंक यू.